आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर की बेसिक जानकारी से संबंधित ये वीडियो दो पार्ट्स में है, जिसमें पहले पार्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का कहां और क्या उपयोग है, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं और कंप्यूटर को स्टार्ट और शट डाउन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कंप्यूटर क्या है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो हमारे द्वारा दिए गए निर्देश पर डेटा को प्रोसेस करके परिणाम को बड़ी कुशलता से सूचना या आंकड़ों के रूप में प्रदान करता है। अब अगर हम बात करें कि कंप्यूटर का कहां और क्या उपयोग है, तो आज के युग में हम अपने घर, ऑफिस, बैंक, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल इत्यादि सभी स्थानों पर कंप्यूटर का उपयोग देख रहे हैं। जैसे कि लाइब्रेरी में किताबों की जानकारी रखने के लिए, बैंक में हिसाब किताब रखने के लिए, रेलवे स्टेशन पर टिकट्स बनाने के लिए इत्यादि। कंप्यूटर की उपयोगिता बताने के बजाय हम शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि ये हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग है और आज के युग में कंप्यूटर के बगैर जीवन ही संभव नहीं है। शुरुआत में लोगों को कंप्यूटर काफी रहस्यमयी और जटिल लगता है और वे इससे डरते भी हैं, लेकिन ये काफी आसान है और कठिन से कठिन काम भी आसानी से निपटा लेता है। यदि आप धीरे धीरे और ठीक प्रकार से सीखेंगे तो कंप्यूटर आपको बहुत आसान नजर आएगा। अब आपको बता देते हैं कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। मुख्यतया कंप्यूटर चार प्रकार के होते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स घर, दुकान, स्कूल, कॉलेज आदि में उपयोग किए जाते हैं। ये डेस्क या टेबल पर रखे होते हैं, इसलिए इन्हें डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं। जब इन्हें व्यक्तिगत उपयोग में लिया जाता है तो इन्हें पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। फिर है लैपटॉप। ये एक छोटा सा निजी कंप्यूटर होता है जो डेस्कटॉप कंप्यूटर का एक विकसित रूप है। ये बैटरी द्वारा संचालित होता है और इसकी बैटरी बिजली से चार्ज की जाती है। इसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान जैसे कॉलेज, ऑफिस, एरोप्लेन या अन्य किसी भी स्थान तक ले जाया जा सकता है। लैपटॉप को नोटबुक कंप्यूटर भी कहते हैं क्योंकि ये एक नोटबुक के साइज का होता है और उसी की तरह फोल्ड भी किया जाता है। इसका उपयोग डेस्कटॉप की तरह ही किया जाता है। तीसरा टाइप है टैबलेट। ये एक पोर्टेबल यानी आसानी से ले जाने योग्य एक वायरलेस कंप्यूटर है। ये पर्सनल कंप्यूटर का ही एक रूप है। इसमें टच स्क्रीन का इस्तेमाल होता है। ये लैपटॉप से छोटा और हल्का होता है, लेकिन मोबाइल फोन से बड़ा और भारी होता है। फिर आता है स्मार्टफोन। वर्तमान में ये कंप्यूटर का ही एक छोटा रूप है। दोनों में बस थोड़ा सा फर्क है। स्मार्टफोन को आसानी से जेब में रखा जा सकता है और कहीं भी ले जाया जा सकता है, पर कंप्यूटर के साथ ही संभव नहीं है। इसी तरह कुछ काम ऐसे हैं जो कंप्यूटर पर आसानी से किए जा सकते हैं, जबकि मोबाइल पर या तो वे करना संभव ही नहीं है या फिर थोड़ा कठिन है। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर को स्टार्ट और शट डाउन करने की, यानी चालू और बंद करने की। सबसे पहले आप कंप्यूटर से जुड़े मेन स्विच को ऑन करें, जिससे कि कंप्यूटर को बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त हो सके। प्रायः बिजली सीधे कंप्यूटर में ना भेजकर यूपीएस में भेजी जाती है और यूपीएस के द्वारा कंप्यूटर को दी जाती है। यूपीएस में एक बैटरी लगी होती है जो अचानक बिजली के जाने पर कंप्यूटर को कुछ समय तक बिजली देती रहती है, जिससे कि आप अपने हाथ का काम पूरा कर सकें और कंप्यूटर को भी अचानक बिजली जाने से कोई नुकसान ना हो। कुछ स्थानों पर पावर कट से बचने के लिए इन्वर्टर्स लगे होते हैं, वहां पर यूपीएस का उपयोग करने की जरूरत नहीं होती है। यूपीएस के बाद हमें सीपीयू ऑन करना होता है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। सीपीयू में एक बड़ा सा पावर बटन लगा होता है। हम जैसे ही उसे दबाकर चालू करते हैं, सीपीयू की लाइट जलने लगती है और हमारा सीपीयू ऑन हो जाता है। सीपीयू के बाद मॉनिटर ऑन करना होता है और ये टीवी के आकार का होता है। मॉनिटर ऑन करने के लिए मॉनिटर के नीचे की ओर एक बटन होता है, उसे प्रेस करना पड़ता है। मॉनिटर ऑन करते ही कुछ समय के लिए मॉनिटर की स्क्रीन ब्लैक रहती है और फिर कुछ समय की प्रोसेसिंग के बाद कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है।
जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा होता है उस दौरान स्क्रीन पर एक छोटा सा गोल सर्कल घूमता हुआ दिखाई पड़ता है। जब तक ये छोटा सर्कल घूमता है मतलब हमारे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग चल रही है। प्रोसेसिंग के बीच हमें कंप्यूटर को यूज नहीं करना चाहिए और जैसे ही मॉनिटर स्क्रीन पर आइकॉन्स दिखाई देने लगे और छोटा सर्कल दिखाई देना बंद हो जाए तो समझिए आपका कंप्यूटर उपयोग करने के लिए तैयार है। आइए अब बात करते हैं कंप्यूटर को शटडाउन करने की। इसे सीधे बंद नहीं करते और यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारा कंप्यूटर डैमेज हो सकता है। कंप्यूटर को बंद करने के लिए स्क्रीन के लेफ्ट साइड में नीचे कॉर्नर पर एक स्टार्ट बटन होता है, उस पर माउस का पॉइंटर ले जाकर माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे या कीबोर्ड में भी कंट्रोल और ऑल्टर की के बीच स्टार्ट बटन होता है उसे प्रेस करेंगे। ऐसा करते ही स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा। उस मेन्यू में राइट साइड पर बॉटम में एक शटडाउन ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, आप उस पर क्लिक करके कंप्यूटर को बंद कर सकते हैं। अभी हम इसे बंद नहीं कर रहे हैं, पहले कुछ और महत्वपूर्ण ऑप्शन समझ लेते हैं। उसके लिए शटडाउन के आगे दिखाई पड़ रहे एरो के निशान पर क्लिक करें। ऐसा करते ही एक छोटा मेन्यू ओपन होगा जिसमें कुछ ऑप्शंस दिखाई पड़ेंगे। इनमें से दो मुख्य हैं। पहला है रीस्टार्ट। किसी भी कारण से अगर कंप्यूटर हैंग हो जाता है यानी काम करना बंद कर देता है तो उसे फिर से चालू करने के लिए रीस्टार्ट पर क्लिक करते हैं। ऐसा करते ही कुछ ही सेकंड्स में कंप्यूटर फिर से स्टार्ट हो जाता है। और दूसरा है स्लीप। जब हम कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहे होते हैं और बीच में कुछ समय के लिए रुकना चाहते हैं तो उसके लिए कंप्यूटर के शटडाउन के स्थान पर स्लीप पर क्लिक करके कंप्यूटर को स्लीप मोड में डाल देते हैं। और जब हम उसे वापस चालू करना चाहते हैं तो सीपीयू के पावर बटन को प्रेस करके फिर से चालू कर सकते हैं। ऐसा करने से हम जो काम छोड़कर गए थे वो उसी स्थिति में हमें वापस मिल जाता है। एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखें, कंप्यूटर को बंद करने के लिए सीपीयू के पावर बटन को प्रेस करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे ही हम शटडाउन पर क्लिक करते हैं कंप्यूटर बंद हो जाता है। उसके बाद हमें मॉनिटर ऑफ करना होगा और उसके बाद यूपीएस को भी ऑफ कर देंगे और सबसे आखिर में हम मेन स्विच ऑफ करेंगे। तो इस वीडियो में आपने कंप्यूटर के बारे में बहुत सी जरूरी जानकारी प्राप्त की। अगले वीडियो में हम आपको कंप्यूटर के बुनियादी हिस्सों के बारे में यानी उसके बेसिक पार्ट्स के बारे में जानकारी देंगे।